Welcome dear friends. So just now, right now our MT exam was over, major test. So I am here for the paper discussion for physics. So I hope you have solved each and every problem. If you are not able to solve any problem, then you can get the correct answer from here. So here we'll start. So I'll start with question number 1. Question number 1 was integration 4x cube dx is equal to dash dash plus c. So now we are having general rule, as you know. What is the general rule that I will write over here? General rule, integration x to the power n dx will be equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. And second, any constant, if constant is coming, then constant will be always out. Important thing is there. अपना जो कांस्टेंट होता है बेटा, उसको ऑलवेज आउट ऑफ द इंटीग्रेशन निकालने का. तो यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन सा है? 4 है. देयरफॉर इंटीग्रेशन 4x क्यूब dx, वी कैन आल्सो राइट इट एज 4 * 8 इंटीग्रेशन x क्यूब dx. अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. सॉल्यूशन में क्या आएगा? 4 वैसे रहेगा, x क्यूब का n, n मतलब 3, 3 plus 1, सो x टू द पावर 4 अपॉन 4, 4 विल कैंसिल 4. Therefore, answer will be x to the power 4. So, आपका option कितना बनता है? इसमें आपका option रहेगा, option A. So, I will suggest you to note it down, then we'll go for the next problem. So, next problem is, integration e raised to x dx is equal to. So it's very simple, there is no explanation. E raised to x, both differentiation and integration you have to keep in mind, this second thing you have to keep in mind. For e raised to x, both differential and integration never change. So it will be always e raised to x only. So your answer will be option C. Answer will be option C. Isko note down karke lo. Next we'll go for the next problem. Ye problem kaun sa hoga? Next problem hai aapka integration sin x dx. मेरे पास अभी जो मार्कर है, अभी लॉकडाउन चालू है, जैसा ऐसा इंक मिल रहा है तो सब यूज होते रहना चाहिए, नहीं तो वो बंद पड़ जाएंगे. इसलिए मैं हर प्रॉब्लम को मार्कर चेंज करूंगा, सॉरी फॉर दैट. थोड़ा कलर आपको अलग लगेगा, जो थोड़ा मैनेज करो. इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो अभी ये क्या है? इसका आंसर आता है कॉस एक्स प्लस सी. तो ये कैसे आता है? तो आपको अगर इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, ओके, देन dy by dx कितना आता है? dy by dx, d by dx ऑफ एफ एक्स, उसको हम f डैश x बोलते हैं. मैं मतलब एफ एक्स इज अ फंक्शन इन y, एफ एक्स इज अ फंक्शन इन y, जैसे हमारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है, वैसे ही y इज इक्वल टू साइन एक्स अगर मैंने पकड़ा तो उसका डेरिवेटिव जितना आता है कितना आया? d of d, d by dx of fx. तो अभी इस केस में then जो आंसर आया, हाँ, d by dx of f of x, ये जो आंसर आया इसका इंटीग्रेशन लिया तो फिर से मिलता है आपको fx मिलता. तो ये रूल आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू हाउ इट विल कम. सो बेटा, डू यू हैव अटेंशन? सो प्लीज गिव द अटेंशन. आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, कॉस एक्स आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स,
then what is dy by dx? Dy by dx will be cos x का क्या आएगा? Cos x का minus sin x. So अगर cos x का minus sin x है तो integration of minus sin x will be cos x plus c. तो आपको क्या दिया है? आपको sin x दिया है. तो आपका यहाँ पे अगर ये minus sin है तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर मैंने इसको माइनस किया तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस मतलब ये प्लस आएगा. अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको खाली इंटीग्रेशन साइन एक्स दिया है तो आपको लिखना है माइनस कॉस एक्स. तो ऑप्शन आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है. अरे गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इसको भी नोट डाउन करो. सो दैट वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. अगर किसी को डाउट है तो मैं प्रीमियर चला रहा हूँ लेक्चर, तो मैं भी लेक्चर आपके साथ देख रहा हूँ. तो अगर किसी को डाउट है तो जस्ट प्लीज put that doubt into the comment section, वहाँ से मैं देख लूँगा. नहीं तो WhatsApp पे भी doubt डाला तो चलेगा, no problem, I will clear your doubt. Now number 4, integration x minus 1 by x dx is equal to dash 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 plus c. तो बेटा इसके लिए अभी देखो, एक मिनट, अभी देखो इंटीग्रेशन अगर दो फंक्शन का है एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स, आपको क्या दिया है? दो फंक्शन में दिया है एफ एक्स प्लस जी एक्स. तो क्या करने का? सेपरेटली फाइंड करने का. इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ये दो फंक्शन है. मतलब यहाँ पे आपका एफ एक्स बन जाएगा ये, जी एक्स बन जाएगा ये, मतलब दो फंक्शन होगा. तो अभी इसका इंटीग्रेशन कैसा बन जाएगा? इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय x dx. तो अभी x का तो सिंपल है, x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा याद दिखा दूं आपको. x का इंटीग्रेशन बन जाएगा x स्क्वायर बाय 2, और अपना जो ln x आता है, ln x, अगर y इज इक्वल टू ln x है तो उसका dy बाय dx आता है 1 by x. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में आपका ये देखो ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी आएगा. क्यों? इसके बीच में माइनस है और इसका आंसर कितना आएगा? ln x. तो ये आएगा माइनस ln x. तो आपका ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ के लिए ऑप्शन सी. ओके, नाउ अगले प्रॉब्लम को जाते हैं. Those who want to note down, they may note it down. Okay? चलो आगे चलते. Now we'll go for the problem number 5. Problem number 5 आपको क्या दिया बेटा? Problem number 5, इसमें पूछा है integral of 1 to 5, कितना दिया? x square dx दिया. Is equal to, इसके लिए रूल कौन सा है? इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल. इसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल. मतलब ये इंटीग्रल जो होता है, इस इंटीग्रल को इसका खुद का लिमिटिंग वैल्यू होता है. सो दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल हैज लिमिट्स. कौन सा लिमिट्स? फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ए टू बी x to the power n dx. इसका मेरे को मालूम है. क्या मालूम है? x to the power n plus 1 upon n plus 1. लेकिन ये अभी मेरा plus c. ये c का अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर मेरे को लिमिट दिया है तो यहाँ पे मुझे लिमिट डालना पड़ेगा. और क्या करने का? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने का. हमको क्या करने का है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अभी चलते हैं अपना प्रॉब्लम के लिए. प्रॉब्लम क्या दिया है? इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx फ्रॉम 1 टू 5. तो आंसर कितना लिखूंगा मैं? इसका आंसर लिखूंगा x क्यूब बाय 3 प्लस c का, छोड़ दो अभी अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अभी वैल्यू दिया है 1 टू 5. तो अभी क्या करूंगा? पहले 5 को डालूंगा x की जगह. 5 को डाला x की जगह, 5 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 की 1 को डाला x की जगह, 1 का क्यूब अपॉन 3. 5 का क्यूब 25, 25, 5 is 125. So 125 minus, ये इसको common कर देता हूँ. 1 का क्यूब 1,
तो मेरा आंसर आएगा 124 बाय 3। तो आपका आंसर आ गया 124 बाय 3। तो आपका ऑप्शन कितना है? ऑप्शन है बी आपका, ऑप्शन है बी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एनी प्रॉब्लम इज देयर लेट मी रिपीट, यू मे आस्क मी इन कमेंट्स और यू मे आस्क मी डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप। ओके, अभी अगले प्रॉब्लम को चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, अभी देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 में क्या दिया है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 में उन्होंने पूछा है इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 4x प्लस 3 dx। क्या पूछा है? इंटीग्रेशन कॉस ऑफ 4x प्लस 3 dx। ये आपको ठीक से ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो मैं जैसे जैसे कर रहा हूं आप ठीक से उसका ऑब्जर्वेशन करो क्या कर रहा हूं मैं। तो पहले तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या आता है वो निकाल के लेने का। तो पहले इंटीग्रेट करो कॉस का, तो कॉस का कितना आता है? साइन का कॉस आता है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना आएगा? साइन एक्स आएगा। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स कितना आएगा? साइन एक्स। यहां पे माइनस नहीं लगाने का, माइनस कहां लगाएंगे? अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन कॉस एक्स पूछा है तो माइनस साइन एक्स, लेकिन साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है इसलिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सिंपली साइन एक्स आ जाएगा। तो मैं पहले लिख के लेता हूं साइन 4x प्लस 3, लेकिन यहां पे x नहीं है ना, 4x प्लस 3 है, तो उसको डिवाइड करने का d बाय dx ऑफ 4x प्लस 3। मतलब पहले इंटीग्रेशन निकाल के लो और उसको जो कुछ अंदर में है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करो। मैं आपको अभी रूल वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूँ जो आपको समझ में आए। तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन आया। अभी आंसर कंप्लीट हुआ क्या? नहीं कंप्लीट हुआ, क्योंकि 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव अलग आएगा, वो हम करते हैं अभी। तो ये क्या आ गया? ये आ गया साइन 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अभी 4x प्लस 3 का डेरिवेटिव, तो 4 इंटू x का डेरिवेटिव 1 प्लस, ये कांस्टेंट अकेला है उसको कुछ वेरिएबल नहीं, तो उसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। ये 4 इंटू 1 प्लस 0, ये आएगा 4। तो आपका आंसर बन जाएगा साइन ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 4। इसमें ऑप्शन था आपको बी, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगर किसको डाउट है, क्वेरी है तो मुझे पूछो, अगर आप कर सकते हो कमेंट भी कर सकते हो। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी लेते हैं इंटीग्रेशन कितना नंबर का प्रॉब्लम? प्रॉब्लम नंबर 7, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू डैश डैश प्लस सी। तो आपको मालूम है इफ y इज इक्वल टू tan x देन dy बाय dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। तो अगर अगर tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है तो इसके उल्टा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा? tan x बन जाएगा। सो आंसर विल बी tan x। सो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम अपना क्या बनता है? e रेस टू ax प्लस बी, सेम करने का जैसे अपन ने किया था पिछले टाइम वैसे ही करने का है, e रेस टू ax प्लस बी। तो मैं चलता हूं अभी, प्रॉब्लम नंबर कितना है अपना? प्रॉब्लम नंबर 8। तो प्रॉब्लम नंबर 8 में e रेस टू ax प्लस बी dx। तो पहले क्या करने का? पहले लिखो इंटीग्रेशन डायरेक्टली। e रेस टू x का कितना आता है? e रेस टू x ही रहता है, मैंने अभी आपको बोला था, तो वो ऐसे ही रह जाएगा e रेस टू ax प्लस b डिवाइडेड बाय d बाय dx ऑफ ax प्लस b। अभी d बाय dx ऑफ ax प्लस b सेपरेटली कैलकुलेट करके लेते हैं, मार्कर दूसरा यूज करता हूं आपको शायद ना दिखे। तो a बाहर रह जाएगा, क्यों? a इज अ कांस्टेंट, इट विल बी आउट ऑफ द डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि b अपना कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव बन गया a। तो मेरा आंसर कितना आएगा? पहला इसका इंटीग्रेशन मैंने निकाल दिया e रेस टू ax प्लस b डिवाइडेड बाय a।
तो मेरा आंसर बन गया ये e raise to x plus b divided by a। तो अपना ऑप्शन कितना आता है, ऑप्शन आता है आपका ऑप्शन ए। तो आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 में आपको पूछा है, क्या पूछा है जरा देखते हैं। अरे एकदम सिंपल है, x cube dx। आप ही करोगे, करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली बता देता हूं, x टू द पावर 4/4। तो आपका ऑप्शन आ गया ऑप्शन सी, क्योंकि करने का जरूरत नहीं है। कौन सा रूल यूज किया मैंने, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1/(n+1) रूल यूज्ड। किसको अगर नोट डाउन करके लेना है उसके लिए मैं लिख के रखता हूं। अभी a टू b fx dx एक सिंपल है, अभी आपको मैंने बताया था क्या किया था f(x) dx इसका लिया था। तो अभी क्या करने का है, इसका जो इंटीग्रेशन आएगा उसमें पहले अपर लिमिट डालो माइनस लोअर लिमिट। जो इंटीग्रेशन का जो फंक्शन आपका आएगा उसमें पहले अपर लिमिट डालो माइनस इसमें लोअर लिमिट डालो। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी 11 करते हैं। 11 में क्या है x, हाँ 11 तो ये इसको सब हटाना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन x प्लस 1 dx है। ओके आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, इसको नोट डाउन करो। अभी चलते हैं 11 के लिए। तो बड़े 11 क्या दिया बड़े, 11 इंटीग्रेशन x प्लस 1 dx, सिंपल एकदम। इसको स्प्लिट करने का, पहले इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, 1 इज कांस्टेंट, नो नीड टू राइट आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके तो x dx का कितना आता है, x square by 2 प्लस 1 into, अभी यहां पे 1 अंदर ही लिखो इसको, 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं x टू द पावर 0, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं, x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x आएगा। ध्यान में रखो x का डेरिवेटिव 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x आएगा। नहीं समझ में आया तो खाली इसका पावर 0 करो तो कितना आएगा, x रेस टू 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 आ गया आपका आंसर। सिंपल सिंपल वे में बताया मैंने आपको, 0 प्लस 1 मतलब x अपॉन 1, तो ये कितना बन जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस x। सो आपका ऑप्शन कितना आएगा, ऑप्शन में देखता हूं, ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए है आपका। ओके नेक्स्ट गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 12। आई होप यू हैव नोटेड डाउन दिस। प्रॉब्लम 12 में क्या है दिखाता हूं आपको। प्रॉब्लम 12 में यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड। तो अभी इसमें कुछ सॉल्व करने का कुछ नहीं है, मैं आपको यूनिट वेक्टर एक्सप्लेन करता हूं उसके बाद में इसका आंसर बता रहा। सपोज एक मेरा वेक्टर है, कौन सा है वेक्टर, सपोज ये मेरा एक वेक्टर है ए, ये बन गया मेरा एक्स, ये बन गया वाई। तो आई मे हैव वेक्टर ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये ए इतना भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उससे भी बड़ा, इससे छोटा हो सकता है। तो माय यूनिट वेक्टर विल बी अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे करेंगे, यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, इसके बाद में क्या, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 1। तो अपना आंसर अपने को मिल गया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। तो उसको a कैप से दिखाते, तो a कैप विल बी यूनिट वेक्टर अलोंग a हो जाएगा। तो a कैप कैसे मिलेगा, a कैप मिलेगा गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो आपको याद करने के लिए आप ऐसा फॉर्मूला भी बना सकते हैं, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स, ये आपके लिए है, ये बुक में नहीं मिलेगा, आपको ध्यान में रखने के लिए मैंने लिख के दिया।
तो अगली कभी भी आपको अगर उसका करना है तो ये सॉल्व करते समय आपको ये यूजफुल हो जाए। समझ गए बेटा? अभी जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 को। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, नोट इट डाउन। तो प्रॉब्लम नंबर 13 है, 13 में बेटा क्या पूछा है वो देखते हैं। जरा 13 में आपको पूछा है, टू फोर्सेस ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू 10 डाइम आर एक्टिंग एज शोन इन द फिगर, देन रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। ओके, कैसे दिखाया है? ये दिखा है 10 डाइम, कितने दिखा है 10 डाइम, और ये दिखा है ऐसा 10 डाइम, और एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। तो व्हाइल कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, आपको क्या याद में रखना है, क्या ध्यान में रखना है? व्हाइल कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट आपको ध्यान में रखना है, यू हैव टू ऑलवेज, इफ दिस इज द सिनेरियो, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ये एंगल नहीं है, आपको घुमा फिरा के दिया है, क्योंकि इसका हेड यहाँ पे है, इसका हेड यहाँ पे है। तो आपको कैसे एंगल फाइंड करना है? बाय अप्लाइंग, कैसे अप्लाई करना है? हेड टू टेल, एक का हेड दूसरे का टेल। तो ये कैसे बन गया अभी, कैसे बन जाएगा अभी? ये ऐसे लिखा, ये दूसरा ऐसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अगर हेड टू टेल लिखा है तो ये 60 एंगल आपका नहीं आएगा। तो कितना आएगा? तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसा ये वाला, तो ये एंगल उसका बन जाएगा। वेरी सॉरी, ये पहले करके लो, और पहले हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिख के लेते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना आएगा? रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ, फॉर्मूला कैसे है? पहला वेक्टर, सपोज पहले वेक्टर को मैंने ए माना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इसलिए मेरे को कॉस का जरूरत है। अभी मेरे केस में पहले वाला है 10, तो 10 स्क्वायर प्लस दूसरे वाला है 10, तो 10 स्क्वायर 2 इंटू 10 इंटू 10, समझ गए? अभी कॉस, अभी देखो ये क्या बन जाएगा। तो यहां पे सपोज मैं आपको दिखा देता हूं, और ये ऐसा है, तो मैं क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? तो जितना एंगल इसने यहां से किया है ये पाई माइनस थीटा हो जाएगी, ये थीटा हो जाएगा, तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। इसीलिए आपको वो एंगल ठीक से मालूम करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो यहां पे कितना हो जाएगा? तो यहां पे मैं इसको ऐसे लिखा, नहीं तो एक सीधी सिंपल वाली बात है, इसको यहां से यहां लिखो, ऐसा हो जाए ना। तो अगर ये 60 है तो आपको ये मालूम है पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल, ये कितना आता है, ये कितना आता है आपको मालूम है? आपको ये और ये आपका सेम रहता है, और ये और ये सेम रहता है, तो ये और ये इसका एडिशन कितना आएगा? 180 आएगा ना। तो ये कितना आएगा? कॉस 120 आएगा। तो थीटा कितना आएगा मेरा? थीटा आएगा, तो इसको यहाँ पे ले लो, तो ये मेरा डायग्राम ऐसे बन जाएगा, तो अभी ये बन जाएगा 120 डिग्री, तो कॉस 120। अभी क्या करने का है, आपके पास एक फॉर्मूला है, कॉस 120 का वैल्यू भी आपको मालूम होता है, लेकिन वो भी कैसे ध्यान में रखना है वो भी आपको मैं लिख के बताता हूँ। कॉस ए प्लस माइनस बी यूज करने का, कॉस ए क्या है, कॉस ए कॉस बी उल्टा करने का, माइनस प्लस साइन ए साइन। तो अभी कॉस, अभी यहां पे ए प्लस बी कैसे करता हूं, ए को बोलता हूं 90 और इसको प्लस बोलता हूं, माइनस नहीं लिखता हूं, और दूसरे को बोलता हूं 30, तो कॉस 90 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 90 इंटू साइन 30,
कॉस 90 तो जीरो आता है, तो ये बन गया जीरो माइनस साइन 90 कितना आता है, साइन 90 वन आता है, वन इंटू साइन 30 वन बाई टू। तो अभी इसको वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको पहले आप नोट डाउन करके लो, बाद में आगे जाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाला हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो रिजल्टेंट कितना आएगा मेरा, रिजल्टेंट बन जाएगा इज इक्वल टू रूट ऑफ टेन स्क्वायर हंड्रेड, टेन स्क्वायर हंड्रेड प्लस टू इंटू टेन टेन वन सेकेंड हंड्रेड इंटू वन बाई टू। लेकिन ये माइनस है तो यहाँ पे मेरे को माइनस साइन डालना पड़ेगा। अभी बाद में जैसे जैसे आप आगे जाओगे आपको मालूम हो जाएगा, कॉस का अगर अलाइड एंगल ज्योमेट्री में देखते हैं अगर 90 के आगे चला जाए तो उसका क्या क्या वैल्यू आता है, वो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये दो ने दो को काटा, ये 100 100 200 हो गया, माइनस 100, ये रूट ऑफ 100 बन गया, तो मेरा आंसर बन गया 10 dyne। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर कुछ दिक्कत है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, यू मे आस्क मी पर्सनली। ओके, सो लेट्स गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 40। हो गया आपका, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 14 क्या है जरा देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14 है आई डॉट आई। आई क्या है, आई है अपना यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना बन जाएगा, ऑफ कोर्स 1 बन जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। और आई डॉट आई, तो आई डॉट आई, इफ आई आई वॉन्ट ए डॉट बी, व्हाट आई डू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अगर आई और आई के बीच में करना है, यहाँ पे कॉस थीटा कितना बन जाएगा, कॉस थीटा विल बी कॉस जीरो, बिकॉज आई और आई के बीच में किसी भी एक वेक्टर का खुद से कितना एंगल होता है, द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद इटसेल्फ इज ऑलवेज जीरो। सो यू हैव टू टेक इट कॉस जीरो, कॉस जीरो वन आता है, तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप सॉरी इंटू कॉस जीरो। तो ये वन आएगा, ये भी वन आएगा, ये भी वन आएगा, तो आपका आंसर आता है वन। इन जनरल आपको मालूम में रखना पड़ेगा आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज ऑलवेज इक्वल टू वन। दिस इज द जनरल रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखना है अप टू योर 12th क्लास, कभी कभी भी आ सकता है। जो यूनिट वेक्टर से किसी भी वेक्टर का खुद से अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले लो, लेकिन ये यूनिट वेक्टर इसलिए इसकी वैल्यू आएगा वन, अदर वेक्टर्स के लिए उनके मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट करेंगे उतना उसका वैल्यू आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड गो फॉर द 15th प्रॉब्लम। ओके, तो 15 में अपन को क्या दिया बेटा, 15 में दिया है फाइंड द पोजिशन वेक्टर ओके ऑफ अ पॉइंट ए वन टू, पॉइंट दिया है ए वन टू, वेरी सिंपल। ओके, तो क्या करने का, पहले आपको पोजिशन वेक्टर कैसे बनाते हैं उसका एक बार ओवरलुक लेना। आप मेरे को मालूम है आपको आता है, लेकिन एज पर माई ड्यूटीज आई मस्ट गिव यू। सपोज ए यहाँ पे है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, 1 2, मतलब ये बन गया उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये बन गया वाई कोऑर्डिनेट, जेड तो जीरो है, मतलब ये 2D में है, इट इज इन 2-dimensional symmetry, not symmetry, 2-dimensional space। तो क्या करने का, ओरिजिन से उसको कनेक्ट करने का, तो ये मिल गया मेरा वेक्टर, ओरिजिन से उसको कनेक्ट करने का और इसको ऐसे करने का। तो यहाँ पे कितना आया, 1 and 0, x 1 y 0, तो ये बन गया 1, तो ये डिस्टेंस कितना बन गया 1, और ये डिस्टेंस कितना बन गया 2। तो a कैसे बनता है, वेक्टर a इज ax इंटू आई कैप प्लस ay इंटू j कैप, और यहाँ पे ax आपका कितना है, ये बन गया आपका x कॉम्पोनेंट, उसी को ही बोलते हैं हम ax, और ये बन गया आपका y कॉम्पोनेंट, और उसी को बोलते हैं हम ay, तो ये बन गया ay, ये बन गया आपका ax। तो कैसे लिखूंगा मैं, a will be 1
इंटू आई कैप प्लस टू इंटू जे कैप। इसका मतलब मेरा आंसर आएगा ए विल बी आई कैप प्लस टू जे कैप, दैट्स ऑल। तो अगर आपको नोट डाउन करना है यू मे नोट डाउन है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम 16.1 आई डॉट जे। तो अभी दिखाने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आई डॉट जे कैसे आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस 90 आएगा, क्योंकि आई जे के एक दूसरे को कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको मैंने अगर आई पकड़ा, इसको जे पकड़ा और इसको के पकड़ा, आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना आएगा 90, कॉस 90 कितना आता है 0 आता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये आंसर आएगा 0। और जनरली इन जनरल आपको अगर लिखना है तो मैं लिख के दिखाता हूँ आई डॉट जे जे डॉट के डॉट आई एंड सो ऑन, ऐसा कौन सा भी कॉम्बिनेशन ले लो उसका वैल्यू कितना आएगा 0। आई जे जे के आई आई के जे आई, इसको भी लिख देता हूँ आई डॉट के डॉट आई, के डॉट आई लिखा ना मैंने, के डॉट जे लिखना था एंड जे डॉट आई, कौन सा भी अगर वैल्यू आपने निकाला तो आपका वैल्यू ऑलवेज इट विल कम 0। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा बोर्ड मेरा छोटा है इसकी वजह से मेरे को थोड़ा दिक्कत आता है, जस्ट आई होप यू विल एडजस्ट इट, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम अदरवाइज। सो विल गो फॉर द प्रॉब्लम नंबर 17। 16 तो हमने कर लिया, तो जो आपको नहीं आ रहा है उसको आप पॉज करो, उसको लिख के लो नोटबुक में, आपके पास उसका नोटिंग करके रखो। अगर वो गलत आ गया है तो अगली टाइम इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू विल नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक अगेन। सो मिस्टेक डन एट वन टाइम, ओके वी विल एक्सेप्ट इट, बट मिस्टेक रिपीटेड विल नॉट बी गेट एक्सेप्टेड, ओके। नाउ 17 यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, तो ये सिंपल है, एक्स को कौन सा आई, वाई को जे, तो आपका जेड को कौन सा आएगा के कैप, तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। इसके बाद वेट फॉर अ व्हाइल, ओके इसके बाद जाते हैं 18 नंबर को। 18 क्या दिया बेटा, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ओके अभी इसको पूरा मेरे को बोर्ड चाहिए तो इसको हटा देता हूँ। 18 है, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, देन वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, एक मिनट, ओके आर यू रेडी, ओके आई एम रेडी, ओके। अगर मेरा वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखता हूं मैं, रूट ऑफ थ्री डायमेंशन है, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अगर मेरा वेक्टर ए है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना लिखता हूँ, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। वैसे ही अपना मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना आएगा, कितना आएगा बेटा, ऑफ कोर्स यस 1 आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आएगा 1 आएगा। तो ये क्या लिख सकते हो, 1 इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड निकालो 0.5 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। इसको ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए इसको बोथ साइड स्क्वायर कर लेता हूँ, नहीं तो इसको डायरेक्टली पहले करके लेता हूँ, करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना बेटा, ओके 0.5 का स्क्वायर 0.25, माइनस का स्क्वायर प्लस ही आता है 0.64 प्लस सी स्क्वायर। ये कितना बन गया,
0.89 प्लस सी स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दिया बोथ साइड तो क्या बन जाएगा मेरे को, सी स्क्वायर विल बी ये 1 माइनस 0.89 करेंगे तो कितना आएगा 0.11 आएगा, है ना बेटा। सो सी कितना आएगा रूट ऑफ 0.11, तो ये आपका बन गया आंसर। अगर किसी को प्रॉब्लम है, मैंने क्या किया किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, रूट ऑफ दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू दिस, एंड डूइंग दिस आई विल गेट दिस। ओके सो योर आंसर ऑप्शन विल बी, ऑप्शन कितना है बी है, तो आपका ऑप्शन में कितना दिया है बी दिया है। ओके लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट, अगर आपको चाहिए तो जस्ट यू मे नोट डाउन दो, विल गो फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है देखते हैं, नेक्स्ट में पूछा है इफ द टू वेक्टर्स आर गिवन, ओके 19 ऐसे दिया है एकदम सिंपल है, ये दिया है ए, ये भी दिया है ए, ये परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना बन जाएगा, थीटा बन जाएगा आपका 90 डिग्री, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट कैसे बनेगा रूट ऑफ कैसे बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए इंटू कॉस 90, cos 90 0, तो ये 0 बन जाएगा, तो किसी भी दोनों वेक्टर का इसका कितना बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो इट विल बी रूट ऑफ 2a स्क्वायर, मतलब इसका कितना आएगा रूट 2 a विल बी द आंसर। अभी रूट 2 a कौन से ऑप्शन में दिया है आपको, लेट मी चेक इट, रूट 2 a दिया है d, तो ऑप्शन d आएगा, कौन सा आएगा ऑप्शन d आएगा। अभी आगे जाते हैं, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, ओके जो मैंने पहले बताया था उसके उल्टा करना है अभी, ओके अभी आपको पोजिशन वेक्टर निकालना है, नहीं नहीं पोजिशन वेक्टर दिया है पॉइंट निकालना है, सिंपल है 2i प्लस 3j, मतलब इसका ax कितना बन जाएगा 2, ay कितना बन जाएगा 3, प्रॉब्लम नंबर कितना है 20, इसको 20 बनाना, az दिया ही नहीं है, मतलब आप लिख सकते हो 0 इंटू के कैप, ऐसे लिख सकते हो आप कैन कंसिडर, अगर आप कंसिडर करते हो कुछ प्रॉब्लम हो, एज कितना आएगा 0 आएगा, तो ए कैसे आएगा ए एक्स इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप, तो ए कैसा बन जाएगा मेरा, ए मतलब कौन सा जो वेक्टर है ए एक्स 2 बन गया ना, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 0 के कैप बन गया, ओके तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे को मिल गया मेरा वेक्टर कैसे है, तो मतलब ये मेरा वेक्टर ऐसे है कि जिसका x कंपोनेंट 2 है और जिसका y कंपोनेंट 3 है, तो ये मेरा बन गया ax, ये मेरा बन गया ay, तो ये पॉइंट कितना बन गया 2, 3, तो मेरा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1, तो लिखते समय आपको लिखना पड़ेगा 2, 3, 0, क्योंकि z 0 है उसका, तो ऑप्शन नंबर आपका ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ओके इज दैट क्लियर टू यू, देन आई विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 21, उसको भी कंप्लीट करके लेते हैं। तो 21 में क्या दिया है, वैल्यू ऑफ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्वेश्चन, तो यहां पे आपको एक सिंपल रूल याद रखना पड़ेगा, आपको क्या करना है एक सर्कल निकाल के लेवा, यू हैव टू ड्रॉ वन सर्कल, यहां पे आई लिखो, यहां पे जे लिखो, यहां पे के लिखो, और सर्कल को ऐसे घुमाओ, ऐसे बीच बीच में भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, इसको आई बोलता हूँ, इसको जे बोलता हूँ और इसको के बोलता हूँ, अगर मैं आई से जे तक जाऊँ तो आगे वाला कौन होता है के, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, तो आपका आंसर मिल गया, यहाँ पे आपका आंसर मिल गया, आगे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर से आपके लिए बोल के रखता हूँ, जे से के तक गए, जे क्रॉस के कितना आएगा आगे वाला, आगे वाला कौन आया आई, के से आई गए
के क्रॉस आई, के आई, उसके बाद फिर से कौन आएगा, जे। तो आई जे साइक्लिक ऑर्डर का यूज करो, क्या करने का, साइक्लिक ऑर्डर, पहले कौन आएगा आई, बाद में जे, बाद में के, ऐसे भी लिख सकते हो आप, आई जे के आई, के आई जे। अगर मैं उल्टा किया, अगर उल्टा रिवर्स में गया, जे जे आई के बाद में कौन आएगा, के आएगा, लेकिन वो माइनस के हो जाएगा, आई के से गया तो कौन आएगा, जे, तो माइनस जे, और के जे के क्रॉस जे कितना आएगा, ये आई, तो माइनस आई, और ये ऐसा आपका आंसर मिल जाएगा। विल गो फॉर प्रॉब्लम नंबर 22, इज दैट क्लियर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर लेट मी रिपीट, इफ देयर एनी प्रॉब्लम इज देयर यू मे आस्क मी द कंसर्न व्हाट्सएप और एनी हाउ यू मे आस्क। हाँ, 22 का डायरेक्टली है, आई जे के क्या है, अभी अभी बताया था मैंने, आई जे के क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो आपका ऑप्शन कितना आएगा, बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा, बोलने का जरूरत नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। 23 में क्या दिया, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी और व्हाट, टेंसर क्वांटिटी, लेट मी एक्सप्लेन, ओके। पावर बेटा कैसे लिखते हैं, आपको आपने 10th तक पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, बराबर है, तो मैं आपको एक डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, पावर इज से करेक्ट वर्क अपॉन टाइम, बट बेटा वर्क डन कैसे लिखते हैं, वर्क डन इज इटसेल्फ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ऐसे लिख देता हूँ, एफ डॉट एस अपॉन टी, तो अभी F ऐसे रखता हूँ, डॉट S अपॉन T, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, व्हाट इज दैट, दैट इज द वेलोसिटी, तो पावर कैन ऑल्सो बी रिटन एज फोर्स डॉट वेलोसिटी, और जो कोई क्वांटिटी है जो डॉट प्रोडक्ट से दिखाते हैं वो ऑलवेज क्या होता है, स्केलर होता है। सो एज आपको अगर आंसर चाहिए आपको ध्यान रखने के लिए, एज पावर इज डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, अगर डॉट प्रोडक्ट है सो पावर इज स्केलर, पावर इज स्केलर बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट से जो अल्टीमेटली आपको ये मिलता है आंसर, दैट इज ऑलवेज अ स्केलर क्वांटिटी। लेट्स गो फॉर 24, the vector a makes an angle theta with x axis then x component, simple hai, agar ye theta banata hai x component kitna ban jayega, ax is equal to a cos theta, to aapka aayega option b aayega, I hope you have understood, and last we will go for solving the last one mein kya hai dekhte hain, last one mein aapko bola hai The components of vector A are given as below. AX कितना है? 5.6 units. AY कितना है? -4.7 units. मतलब Y नीचे है. नीचे मतलब ऐसा नीचे ऊपर बोलने का नहीं होता है. Y negative है. और अपना X है positive. तो उसका x कितना है, यहां से 5.6 तक है, और y कितना है, -4.7, ये बन गया उसका ay, तो पॉइंट बन जाएगा यहां पे, और क्या पूछ रहा है अभी, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, अभी आपको एक ही ख्याल रखना है, ये एंगल नहीं लेने का, क्योंकि हम कैसे जाते हैं, यहां से चालू करते हैं 0 90, तो यहां से ऐसे जाते हैं, सो वी हैव टू गो इन एंटी क्लॉक वाइज, तो यहां से अगर मैंने एंटी क्लॉक वाइज निकाला तो कैसे आएगा बेटा, ये ऐसे आएगा,
अरे गेटिंग माय पॉइंट, लेकिन आपको पहले ये थीटा करना पड़ेगा और आपको वो 2 पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। तो पहले ये थीटा निकाल के लो, इसको बोलता हूँ ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स। तो पहले मेरे को क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहले मेरे को ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा और ए एक्स तो मेरे पास है 5.6, तो उससे कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे करते हैं अभी स्टार्ट विद दैट, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा जगह लगेगा, आई रब दिस। यहाँ पे कैसे निकालता हूँ देखो बेटा, देखो ये ए से ए वाई, ए कैसे मिलेगा आपको, ए कैसे मिलेगा, हाँ ए कैसे मिलेगा, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये तो आपको मालूम है, एक्स कॉम्पोनेंट वाई कॉम्पोनेंट। तो ए कितना बनेगा, ए विल बी रूट ऑफ ए एक्स 5.6 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस माइनस 4.7 ब्रैकेट स्क्वायर। अभी इसका मैंने कैलकुलेशन किया है, वो आता है 1 मिनट, वेट फॉर अ वाइल। मैंने उसका कैलकुलेशन करके रखा है आपके लिए, तो वन सेकेंड इट विल नॉट बी, वेट फॉर अ वाइल, 2 मिनट उसको। ये देखो ये कितना आता है आपका, ये अगर किया आपने तो ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है 7.81 आता है, 7.81 थोड़ा कैलकुलेशन का है, 7.81 आता है। और अभी कुछ नहीं है, अभी आपको क्या करना है, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो आपका कॉस थीटा कितना बन जाएगा, ए एक्स अपॉन ए, ए एक्स कितना है आपका, ए एक्स है आपका 5.6 अपॉन 7.81, तो ये भी आता है आपका कितना आता है, ये आता है 0.72। तो आपको मैंने सुबह को ये भी दिया था कि गिवन क्या दिया है, गिवन आपको क्या दिया था, गिवन दिया था मैंने कॉस 40 डिग्री, कॉस इसीलिए दिया था 0.72। तो अगर कॉस थीटा 0.72 है, अगर मालूम है आपको कॉस 40 डिग्री 0.72, तो थीटा कितना बन गया 40 डिग्री। सो बेटा इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर आवर मेजर टेस्ट विच वी हैव टेकन टुडे मॉर्निंग। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द डिस्कशन, इफ एनी डाउट इज देयर, एनी क्वेरी इज देयर, यू मे आस्क पर्सनली टू मी, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।